इंतजार करनी पड़ी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज जो गर्मी है उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई हुई है और इन हालात में आप सब जो काम करते हैं, एक बार फिर मैं आपके साथ इजहार यकजहती भी करता हूँ और डिमांड करता हूँ यहाँ पे कि आपके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, या प्रॉपर एक मीडिया सेल होना चाहिए, पंखा भी चलना चाहिए, मैं समझता हूँ एयर कंडीशनर भी होना चाहिए, क्योंकि आपका बड़ा लंबा काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। और ख़ासतौर पे जो कैमरामैन है उनका और DSNG ड्राइवर्स और नहीं, ये पंखा चलेगा इंशाल्लाह जल्दी चलेगा। अब मैं आता हूँ आज के केस के हवाले से। आज जैसा कि आप जानते हैं कि समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई है। मंडे को अब 11:30 गालिबन अब दोबारा शुरू होगी समाज। पहले बताया गया था कि 24 और 25 दो दिन में ये कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन फिर 27 तारीख भी रखी गई और अब मंडे पे बात चली गई है, यानी कि 1 जुलाई पे। और अब तक की जो प्रोसीडिंग्स रही हैं उसमें एक चीज़ बार बार सामने आ रही है, हर बात से निकल के आ रही है, और वो है बल्ले के निशान की बात, कि ये कितना गलत फैसला था बल्ले के निशान। एक पार्टी को उससे महरूम किया गया, न सिर्फ पार्टी को बल्कि वोटर का जो हक है वो उससे छीना गया, क्योंकि वोटर निशानदेही करने में उसे आसानी होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ लिटरेसी रेट कम है तो इंतखाबी निशान रखा ही इसलिए जाता है कि वोटर आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, अपनी मंशा का इजहार कर सके, अपनी राय का को एक्सप्रेस कर सके। तो जब आप एक निशान ले लेते हैं यूनिवर्सल, तो बेसिकली आप वोटर को उसके हक से मजरू करते हैं। और ये मखसूस नशस्तों का मामला भी वोटर ही के हक को प्रोटेक्ट करने का है। इस पर कुछ जज साहिबान ने बड़ा वाजे इस पे दौरान बहस जो है बात की है, रिमार्क्स दिए हैं कि जो फंडामेंटल जो राइट है वो वोटर का है, उसको सिक्योर करना है। और डेमोक्रेसी की बुनियाद ही है कि वोटर का जो हक है वो उसको मिले। और वो क्या हक है? वो ये है कि जिधर वो वोट दे रहा है वो उधर ही जाए, और अगर नवाज शरीफ को वोट दे तो नवाज शरीफ को जाए, इमरान खान को दे रहे तो इमरान खान को जाए। ये नहीं हो सकता कि वो वोट दे रहा है इमरान खान को और फिर फॉर्म 47 आके तो उधर ट्रेवल कर जाए, ये नहीं है। तीन ओकेजन्स ऐसे आए जब वोटर के साथ ज्यादती की गई। नंबर वन बल्ले का निशान, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर टू जो पोलिंग डे पर उसके पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, उसको उसके जो पार्टी जो थी उसको कैंपेन नहीं करने दी जा रही थी, उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो पवंद सलासल थे, उनके जो लीडर हैं वो पवंद सलासल थे, और इंटरनेट भी बंद था, मोबाइल फोन भी बंद था, और पोलिंग एजेंट्स का मामला, ये सारी चीज़ें आ गई। ये दूसरी दफ़ा थी। तीसरी दफ़ा तब आई जब काउंटिंग में फॉर्म 47 जो है वो डिफरेंट काउंट दे रहा था फॉर्म 45 से, वो भी गलत था। और चौथी जगह ये आई कि मखसूस नशस्तें उसको नहीं दी गई वोटर को जिधर उसने अपनी राय का इजहार किया, वो मखसूस नशस्तें खवातीन की भी और अकलीतों की भी वो उधर चली गई। तो ये चार जगहों पर वोटर के बार बार मैं कह रहा हूँ वोटर के हकूक की पामाली हुई है। तो ये इसकी प्रोटेक्शन का केस है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये पूरे चल रहा है सिलसिला, इंशाल्लाह ये सीटें या तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुनी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। और ये इनका जायज़ हक भी है, याद रखें ये किसका जायज़ हक है? उस उम्मीदवार का जो नामजद हुआ, जिसने इलेक्शन लड़ा और वोट उसने लिए और जीते, उसी तनासब से ये सीटें मिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह होगा। दूसरा इद्दत केस का थोड़ी देर के बाद फैसला आएगा। इद्दत केस का फैसला थोड़ी देर के बाद आएगा। याद रखें ये एक महीना पहले फैसला आ जाना चाहिए था, 29 तारीख डिसाइड होगी थी कि फैसला देना है, लेकिन उस दिन पर जो हुआ वो पूरा एक ड्रामा। और उसके बाद फिर खैर अब आज 27 तारीख को 3 बजे आपसे कुछ देर के बाद फैसला आएगा। इंशाल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी सुरखरू होंगे। जिस तरह से तमाम केसेस इमरान खान पर जो बनाए गए बोगस बेबुनियाद और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, इससे पहले भी इमरान खान सुरखरू हुए हैं। और कुरान की एक आयत है, जब अल्लाह किसी की मदद को आ पहुंचे तो तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंशाल्लाह अल्लाह पर हमारा ईमान है, इंशाल्लाह अल्लाह हक और सच की फतह करेगा और इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो रिहा होंगे। आगे आप बात कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो केस की प्रोसीडिंग्स हैं, एज ए पटिशनर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन झूठों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में आके माशाल्लाह एक बाय एक स्टेप वाइज खुलते जा रहे हैं।
ये बात बखूबी जाहिर हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बतौर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के अवाम के वोट के जो राइट था या वोट जो किया उसकी सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना था, उनको किसी से पार्टी नहीं बनना था, वो एक न्यूट्रल इदारे के तौर पे काम करना उसको चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो न्यूट्रल इदारे होते हैं वो जिस तरह की हरकतें करते हैं वो आज आपको उसके वकील के आर्ग्यूमेंट से समझ आ गई। बारह अदालत में मोतबर जजेस पूछते रहे कि आपको किसने ये राइट दिया था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जब उसका निशान ले लिया गया था तो उसको पॉलिटिकल पार्टी मानने से इनकार करके उसके कैंडिडेट्स को फोर्सफुली इंडिपेंडेंट कर दें। यही मेरा भी जो पटिशन है वो ये कि मैंने बतौर पीटीआई अपने पेपर जमा कराए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में, हमारे यहाँ खवातीन खड़ी हैं, सिंध में हमने जमा कराए, बलूचिस्तान में जमा हुए हमारे जो पेपर्स हैं वो हमने केपी में जमा कराए। हमारी स्क्रूटनी की डेट देने की बजाय उन्होंने हमें यह कह दिया, कंडीशनल कर दिया, बाकी तीन सूबों में स्क्रूटनी कर दी, पंजाब ने हमें कह दिया कि अभी हम आपकी स्क्रूटनी नहीं कर सकते और हमारी लिस्टें लेने से टाइम पे जो लिस्टें जिस कट ऑफ डेट और जो लीगल सारा कोर्स ऑफ एक्शन इलेक्शन कमीशन बता रहा है यहाँ के उससे हमें खुद रोका इन्होंने। हमने अपनी लिस्टें जब भेजी तो इन्होंने ये कहा कि हमें लिस्टें रिफ्यूज कर दी एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को कि जनाब आपके पास अब बल्ले का निशान नहीं रहा इसलिए आप जो है वो अपनी लिस्टें भी नहीं जमा करा सकते हैं। हमने कोर्ट में भी हम गए, हम इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास गए, इलेक्शन कमिश्नर के पास हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी डायरी हुई हुई है। सो आज आपने देख लिया कि जो फियास्को 13 जनवरी को हुआ था वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ एक्सपोज हो गया। जस्टिस मुनीब साहब ने जब सवाल पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, क्या इलेक्शन कमीशन का काम तमाम लोगों के साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं है, और साथ में ये भी बताया कि आप सुनीता काउंसिल के चेयरमैन पे कल हंस रहे थे 2 दिन पहले, तो ये रवैया जैसे मैंने सुबह भी ये बयान किया था कि इंडिकेट करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट इदारा ये इलेक्शन ये जो पटिशन है इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा, वो पार्टी बने हुए हैं। और उसकी सबसे बड़ी खुली मिसाल ये है कि उन्होंने हमारी सीटें अपनी मनपसंद पार्टियों में बांट दी। अब पूछना ये है अगला सवाल कि 4.1 का जो मैथ्स है जिस मैथ्स पे आज काउंसिल साहब बहुत जोर से बड़ा अच्छे तरीके से बयान कर रहे थे उस वो तो चलो जितनी जितनी इनकी सीटें आई तो उसके मुताबिक इनको रिजर्व सीट्स दे दी गई, जो बाकी हमारे हिस्से की रिजर्व सीट्स बांटी गई वो कौन सा मैथमेटिक्स है, वो मैथ्स का फॉर्मूला कौन सा इजाद हुआ है जिसके तहत ये वाली सीटें बांटी गई, क्योंकि आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा और आइन के आर्टिकल 17 की वायलेशन भी इस्टेब्लिश हुई आज सुप्रीम कोर्ट के सामने। आपने हमारा बेसिक राइट बतौर पॉलिटिकल पार्टी के वायलेट किया। पीटीआईएन पे बहुत बातें की गई, पीटीआईएन का जो चेयरमैन था उसका अगवा बराए बयान चलाइए ना प्लीज, उसने तो खुद मना कर दिया कि मैंने तो कोई टिकट सी नहीं बांटी है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और किस तरह किया वो आप सबको पता है। वो टाइम याद करें जो हर थोड़ी देर के बाद एक अगवा बराए बयान हुआ करता था, और आज वो इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस इलेक्शन के दौरान डिस्क्रिपेंसीज टारगेटेड वायलेंस पॉलिटिकल वायलेंस एक खास सिर्फ पीटीआई के कारकुनान पीटीआई के कैंडिडेट्स पीटीआई के कैंडिडेट के प्रपोजर सेकेंडर्स के साथ जो हुई, और फिर आरओस का रवैया। 8 फरवरी को मैं NA 166 की उम्मीदवार थी, मेरा अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी केस चला गया, मुझे इलेक्शन के दिन आरओ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया, मुझे अगले दिन सुबह 11 बजे तक बाहर खड़ा किया गया। मैं आरओ के ऑफिस से 30-40 फुट बाहर सर्दी में खड़ी रही, मैं जब आगे होके कुछ पूछना चाहती थी मेरे पे बंदूकें तानी जाती थी, मेरी वीडियो बनाई जाती थी और मेरे साथ बदतमीजी की जाती थी, जिस पे मैंने ऑब्जेक्शन जब रेज की। आरओ सर्वर जो भावलपुर का एक है जिसको मनपसंद आरओ जिनको 2 प्रमोशंस दे के वहां पे आरओ बनाया गया, इसीलिए हमने इतराज किया था कि सरकार की मशीनरी को मत इस्तेमाल करें। जिन जिन डीसीज को पीडीएम के दौर में आखिरी दिनों में फॉर्च्यूनर से नवाजा गया है, खुदारा उनको इलेक्शन में इन्वॉल्व मत करें, वो फिर हम पे MPO 3 ही लगाएंगे। वो जो नई नई कड़कती हुई फॉर्च्यूनर्स बांटी गई थी अवाम के पैसों से और आज आपके पंखे नहीं चल रहे और बिजली के बिल बगैर बिजली के बगैर गैस के आ रहे हैं, उसके बदले में जो हमारी ठुकाई हुई है ना पीटीआई की,
वो आपको इलेक्शन वाले दिन नजर आई है, इसलिए हमने कहा था और इसी अदालत में भी हम आए थे कि मेहरबानी करें, इंडिपेंडेंट आरओज लगाएं, जुडिशरी आरओज अपॉइंट करें, ब्यूरोक्रेसी आरओज अपॉइंट मत किए जाए। आज देखें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कितनी दरखास्तें गई हैं। सो ये एक एक करके झूठ एक्सपोज हो रहा है। JUIF पे आके गड़बड़ा गए, वो इररेलेवेंट सवाल बन गया इनके लिए। कैसे इररेलेवेंट सवाल बन गया? जब जस्टिस आयशा साहिबा ने पूछा कि भाई एक का तो उठा के ले आए हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, बाकियों का कहाँ है, तो उसमें भी अजीब सवाल जवाब होते रहे। सो अब आप देखेंगे, मैं ये कहती हूँ कि ये वाली पटिशन या ये वाला जो केस है, इसको अदालत तसल्ली से सुने, क्योंकि ये राह मुतय्यन करेगी पाकिस्तान में आइन की, पाकिस्तान में जमहूरियत की, और आने वाले वक्त के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पटिशन है एक पॉलिटिकल जमात के राइट्स की। इलेक्शन मुल्क में कैसे होते हैं, उसका आउटकम क्या होता है, ये उसकी राह डिटरमिन करेगी। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे लीडर इमरान खान साहब की पटिशन जो पड़ी हुई है, उसको भी इस केस के साथ क्लब करके सुना जाए, उठाए देखे कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान में किस किस्म का इलेक्शन कराया है। हमने इलेक्शन नहीं, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगा था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो वाहिद जमात है जो 2 साल सड़कों पे मारे खाती रही, गोलियां खाती रही, शेलिंग और डंडे खाती रही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, इस अवाम के लिए। आज आप देखें बजट की स्पीचेस हो रही हैं, किस किस्म का बजट आ रहा है। आप देखें जिस IMF PTI IMF करते थे, आज वो IMF से डायरेक्ट बजट ला के आपके ऊपर डाल रहे हैं। आज बिजली और गैस के बिल हमें बड़े बड़े नजर आते हैं, लेकिन बिजली और गैस नहीं नजर आती। आज आटे की कीमत चेक कर लें, 16 रुपए की रोटी तो मिल रही है कुछ तंदूरों से, बाकी जो घरों में हालात हो गए वो भी देखिए। ये किस बात का नतीजा है? जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, जब अवाम के मुंतखिब नुमाइंदों को फॉर्म 47 पे बाहर और दूसरों को अंदर कर दिया जाता है, फिर ये नतीजे आते हैं। सो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। मेरी डिमांड है इसको 3 महीने चलाएं, भूल जाएं कि कोई एक्सटेंशन या 2/3 मेजॉरिटी का कोई मामला जो इस वक्त की हुकूमत के लॉयर हैं या जो वजीर कानून है उन्होंने कुछ सामने रखा हुआ है। जल्दी मत करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। 4 महीने से आपने हमारी सीटें लटकाई हुई हैं और बांटी हुई अपने मनपसंद लोगों में। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको रोजाना सुने, 1 घंटा दे दें, रोज सुने, एक एक मेंबर का रिकॉर्ड निकालें और उसको बुला के पूछें कि उसके साथ क्या सलूक हुआ। मैं एक और रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तमाम खवातीन जो रिजर्व सीट्स की उम्मीदवार थी, उन्होंने अपने फॉर्म्स पे PTI लिखा है। हमने जो लिस्टें जमा कराई आप उनके भी रिकॉर्ड मंगवा लें। और मेरा ख्याल है कि आज जस्टिस जो याह्या अफरीदी साहब है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को, लास्ट हेयरिंग पे भी ये कहा गया था कि रिजर्व सीटों की लिस्टें लेकर आए PTI की, जो आज प्रेजेंट नहीं की गई है। सो इलेक्शन कमीशन अगर इतनी देर लगा रहा है, इसी तरह रिजल्ट में भी देर लगाता है, लेकिन सीटें देने में बड़ी जल्दी की थी, फॉर्म 47 पकड़ाने में मिनट लगाया था। मैं कहूंगी आराम से करें, आप अपना पूरा रिकॉर्ड निकालें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरी को चेक करें, आप 2018 का भी रिकॉर्ड निकाल के लाएं, आप लेकर आए बाप पार्टी का, खैबर पख्तूनख्वा का भी रिकॉर्ड, आप ANP को जो नोटिफिकेशन जारी किया है आपने बगैर हिलोज्जत के, वो भी निकाल के लाएं। आपने नवाज शरीफ को जो अपनी पार्टी का सदर मुंतखिब हुआ है और उस पर कोई एतराज नहीं गया, उसका भी लेकर आए रिकॉर्ड बगैर इलेक्शन के, सुकून से। सो आप लोगों को मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी बात कहूंगी, हमारी है बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को तसल्ली से सुने, आराम से सुने, आप 3 महीने सुने, हम सुनाने को तैयार हैं और हमें भी बुला के सुना जाए। बतौर पटिशनर मुझे भी सुने, बतौर पटिशनर हामिद रजा साहब को भी सुने, आज हमने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है, गौर साहब को भी बुला के सुने, ये सारी चीजें सुने और उसके बाद फैसला करें, क्योंकि आप आइन के गार्डियंस हैं। और जिस तरह जस्टिस मुनीब साहब कह रहे हैं, जिस तरह अतर मिनल्ला साहब बात कर रहे हैं, या अफरीदी साहब ने कहा, जस्टिस आयशा ने भी कहा, आप कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता सीधा करें। और जो गलत हुआ है इस 2024 के इलेक्शन में, 13 जनवरी के बाद से जो उल्टा सीधा हुआ है, अगर आपने इसको फिक्स करना है तो वापस चले जाएं 13 जनवरी, हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है।
जाए, पीटीआई के जितने मेंबरान हैं उनको पीटीआई फॉर्म्स पे जो लिखा हुआ है माने, और फिर इस असेंबली में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का हिसाब किताब करें। ये पानी में मधानी डाल के जितना मर्जी रड़कते रहेंगे मक्खन नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको लस्सी और दूध और मलाई दोनों चीजें होनी चाहिए। वो 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन सारी खा गया था। सो मेरा यही मुतालबा है कि इसको ठीक करें, ये आवाम की जो वोट की सैंक्टिटी थी उसकी राह मुतय्यन करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन पॉइंट जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दो तीन मिनट की बात है, बात तफसील से हो गई है तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि आइन का आर्टिकल 51 जो है वो बड़ा क्लियर है कि मखसूस नशिस्तें उसको मिलती हैं जिस जमात ने जितनी सीटें जो हैं वो जीती होती हैं। ये नहीं होता कि एक जमात वो सीटें जीती नहीं है तो उसको दूसरी किसी जमात की सीटें मिल जाएं, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि ये कहा गया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बतौर जमात जो है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। नहीं, हम तमाम लोगों ने पीटीआई के टिकट्स जमा करवाए, हमें जानबूझकर आज़ाद कर दिया गया। और ये इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रटेशन की थी उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन खुद मान गया है कि हमारी हमने जो इंटरप्रटेशन की थी उसके मुताबिक जो बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक हमने आज़ाद किया। और नंबर थ्री बात ये कहा गया, आखिरी बात करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जिस तरह से यहाँ पर उसने कंडक्ट किया, जो माहौल बनाया और जिस तरह से उसकी जस्टिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और बाकी दे रहे थे, और एक तरफ गुज़श्ता दो दिन जो पहले समाअत हुई थी उसके अंदर जैसे इमरान खान साहब के ऊपर कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने जिस तरह से वो असरअंदाज हुए, हम उन अल्फाज की भी मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि पाकिस्तान को, इस जमहूरियत को इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया।